इसलिए जवानी उस मालिक पर फिदा की जाए जिस मालिक ने जवानी दी, अपना माल उस मालिक की मर्जी के मुताबिक खर्च किया जाए जिस मालिक ने यह माल दिया है, अपनी औलाद को उस मालिक के हुक्म के मुताबिक बनाया जाए, संवारा जाए, ढाला जाए, चलाया जाए जिस रब करीम ने हमें अपनी नेमतों से नवाज रखा है, जिस मालिक ने हमें औलाद अता फरमाई है, उस मालिक के हुक्म पर अपने औलाद को चलाना सीखें। गर्ज ये कि जितनी नेमतें अल्लाह ने इनायत फरमाई है, आपको अल्लाह ने ताकत दी है, आपको अल्लाह ने माल दिया है, आपको अल्लाह ने इल्म दिया है, आपको अल्लाह ने तक़वा वाली ज़िंदगी दी है, तो फिर ये सब चीज़ें उसी मालिक के हुक्म के मुताबिक हैं।